Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. We have definitely, this is the last lecture और we can say ये हमारा जो theory का है वो last lecture है, right? उसके बाद हम लोग questions practice करने वाले हैं. So this is the lecture 12th और आज के lecture के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई बाहर से जो electric power हमारे घर में आ रही है वो किस तरीके से आ रही है और क्या क्या changes होने वाले हैं उसमें, या फिर क्या क्या चीज़ होते हैं, ठीक है, कितने तरीके के वायर्स हम लोग अपनी घर की वायरिंग में यूज़ करते हैं, कितने तरीके की वायरिंग्स एक्चुअली में होती हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट. एंड थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं. तो द थिंग इज़ कि ये सब चीज़ें नेसेसरी क्यों है जानना, बिकॉज डेफिनेटली बात है आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में किस तरीके की वायरिंग हो रही है और राइट कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना जो फ्रीक्वेंसी है, कितना इलेक्ट्रिक पावर है, हाउ टू रिमेन सेफ फ्रॉम दी इलेक्ट्रिसिटी, और कि कितने भी अप्लायंसेस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सभी के सभी अप्लायंसेस किस तरीके से इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करते हैं, कब यू कैन से कि कब जो इलेक्ट्रिक पावर है वो यू कैन से हज़ार्ड जो है एक तरीके से हमको नुकसान पहुंचा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस को नुकसान पहुंचा सकती है, ये सब चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो द बेसिकली थिंग इज वी विल बी नोइंग अबाउट दी एक्चुअल थिंग्स जो कि हमारे घर में ऑलरेडी होता है. ऑलराइट, सो एंड यू ऑल नो दैट वी डील विद ऑल द थिंग्स, राइट. हम लोग स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, साथ ही साथ हम लोग ओलंपियाड्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं. सो बी रेडी टू अंडरस्टैंड एट दैट लेवल. ऑलराइट, एंड डेफिनेटली इससे आपको क्या बेनिफिशियल होगा कि भाई आप जो भी कुछ स्टडी कर रहे हैं तो दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही एग्जामिनेशंस में वो यूज़फुल रहेगा, तो वो वेन नहीं, फालतू में नहीं होगा, राइट. एंड द थिंग इज़ कि आप अपने आप को थोड़ा बहुत एबल बना पाओगे कि आप और भी हायर लेवल की स्टडीज़ या फिर एक अलग लेवल आप स्टडीज़ में ले पाएँ और अपने मार्क्स को अच्छा कर पाएँ, राइट. दिस इज़ द ओनली मोटिव बिहाइंड दिस ऑल, राइट. और ये क्योंकि सभी को फ्री जो है ये वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं, सो दे कैन डेफिनेटली गेट दैम फॉर फ्री, और डेफिनेटली आप ईजीली अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है. If you want any DPP or study material, you can definitely access them through the Telegram channel. What you need to do is you have to write this code TTB010, ठीक है. आपको लिखना होगा कहाँ पर, सर्च बॉक्स में लिखना होगा टेलीग्राम ऐप के, और राइट वहाँ पर जब आप TTB010 जो है लिखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जो हमारा चैनल है, ठीक है, उस वो मिलेगा. आप जो ड्रॉप डाउन होता है उसके अंदर आपको हमारा चैनल दिखाई देगा, यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन जॉइन अस, राइट. यू विल बी गेटिंग ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल ओवर देयर, सो दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल. प्रैक्टिस दैट, डू इट, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ऑलराइट, सो दैट आपको एक क्लियरेंस मिलेगा, आपको एक तरीके से यू कैन से एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरीके के आते हैं, राइट. सो यू कैन डेफिनेटली जॉइन अस एंड यू कैन सी दिस इज द होल टीम विच इज़ डेफिनेटली वर्किंग फॉर यू ऑल, राइट. हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके लिए फ्री एजुकेशन, वो भी ओलंपियाड लेवल की एजुकेशन आपके लिए प्रोवाइड कर सके हम सभी लोग, राइट. एंड दैट्स व्हाट आर मोटिव इज, तभी हम लोग ने जो है ये पूरा सेटअप किया है, ये पूरा प्रोसेस. एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू टेल यू अगेन अ न्यू थिंग, एंड दैट इज़ द न्यू थिंग. यू कैन डेफिनेटली सी दिस, दैट यू कैन सी दिस, दिस इज द वेबसाइट, ऑलराइट, www.talkingtextbooks.in. ऑलराइट, दिस इज द वेबसाइट एंड ओवर देयर यू कैन गेट टू टाइप ऑफ पैकेजेस, ऑलराइट. वी हैव प्रिपेयर्ड सम पैकेजेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. नाउ द थिंग इज कि आप के लिए कौन सा ये जो पैकेज है वो बेनिफिशियल रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा. द थिंग इज़ कि इफ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो लाइफ में है या फिर वट एवर गोल्स जो हैं आपके, यू कैन से दैट कि आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं 10th बोर्ड में या फिर यू वॉन्ट टू क्रैक एनी ओलंपियाड. सो द थिंग इज़ कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको पूरा प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, हाउ टू स्टडी, वट टू डू, वट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड सॉल्व, वट टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल यू शुड चूज, राइट. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द फुल पैकेज, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा. उसमें डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस होंगे, दोनों ही तरीके के, स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए भी होंगे और ओलंपियाड के लिए भी होंगे. यू कैन प्रैक्टिस दैम, यू कैन मेक योरसेल्फ एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ऑलराइट, एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट द वीडियो लेक्चर्स व्हिच इज डेफिनेटली फॉर फ्री फॉर एवरीवन, राइट. सो दैट मींस यू कैन वॉच दीज. ऑलराइट, द थर्ड थिंग यू विल बी गेटिंग द होमवर्क सबमिशन फीचर, दैट मींस यू विल बी डूइंग द होमवर्क एंड यू विल बी गेटिंग लाइक रियली हम लोग होमवर्क देंगे आपको एंड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू सबमिट इट सो दैट वी कैन चेक, राइट. सो दैट वुड बी वेरी मच गुड, ताकि आपको एक एनकरेजमेंट मिले कि दैट यू शुड डू द होमवर्क. Alright, for next thing you will be getting is the bi-weekly quizzes. That means you will be tested twice a week and that is the important thing. Kyunki agar aapka frequently test hoga, to that means you will be very
curious about your ranking or your marks so that you can definitely create a progressive thing for yourself, right? तो आपको क्या करना होगा, you have to give twice a week test आपको देने होंगे. Alright, and then next thing what we have prepared is the periodic test papers. Periodic test papers क्यों? Because ये जो periodic test papers होंगे, that would be you can say a rehearsal for your final examinations. कैसे? Because ये जो periodic test papers हैं, ये बिल्कुल final exam जो आपका होने वाला है उसका ठीक उसी pattern पे based होते हैं. So the thing is कि आपको पहले से पता होगा कि किस तरीके के questions आते हैं, कितने questions आते हैं, आपको कैसे solve करना है, कितने time में क्या solve करना है, नए questions से किस तरीके से deal करना है, ये सभी चीज़ें आपको clear out हो जाएंगी from the periodic test paper. So that's why it is beneficial. अगर कोई लगता है किसी बच्चे को that they are clueless about the Olympiads or they can find any other guidance, वो उनको नहीं मिल पा रही है, उनको एक proper planning नहीं हो पा रही है, so they can go for the full package, right? And ऐसे बच्चे जो बहुत सारा पहले से study करके रखते हैं, they are interested in studies and they want to check themselves कि भाई उनको कितना आता है कितना नहीं, so they can definitely go for the test series. Alright, and that is important because test series में क्या होगा that आपको बहुत सारे टेस्ट देने होंगे, राइट? तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, आपको टेस्टिंग हो जाएगी कि आपको कितना आता है, आपको कितने लेवल का आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाते हो, किस तरीके के नहीं कर पाते, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट, राइट? एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट यू कैन डेफिनेटली एक्सेस यू कैन से अ डिस्काउंट कोड, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू राइट द कोड एंड दैट इज द कोड फॉर यू ऑल. ऑलराइट, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, बट लेट मी Alright, let me tell you that if you write the CY Live, alright, if you write the code CY Live, alright, over here in the discount from coupon, right, if you write the CY Live code, that you will be getting 30% discount. Alright, so that is the thing, if you write this code, if you write this code, let me tell you again, alright. Here, if you write this code CY Live over here, then you will be getting 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. Alright, so koi bhi package agar aap kharidte hain and you want a discount, then you can definitely go for the 30%, right? And definitely you should write the code CY Live, and that is what is beneficial. ताकि आपको जो हम लोग already कम cost पे आपको knowledge available करवा रहे हैं, वो और भी कम cost पे आपको available हो सके. So that is the main motive behind us कि आपको कम से कम जो है cost में आपको ज़्यादा से ज़्यादा knowledge provide की जा सके, right? And the thing is if you have any query regarding anything you can definitely call us on this number. So the thing is 9195490411111, this is the number you can call and definitely इसमें क्या होगा, आपका जितना भी queries होगा कि ये जो आप packages देख रहे हैं ये helpful होंगे कि भी नहीं, what are the features and what do you think about yourself, कि आप लेने के लिए सही हो कि नहीं, तो ये पूरा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इफ़ यू कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व. ऑलराइट, एंड दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड डेफिनेटली गिविंग यू द नंबर सो दैट यू कैन कॉल अस एंड डेफिनेटली यू कैन नो अबाउट ऑल द पैकेजेस एंड ऑल. Right, now let's start this lecture and right and we will be going to study the household electric circuit which will be like this. कुछ ऐसा होता है. And now what you need to do is to promise yourself because there has to be a discipline in your life and that's why we are going to giving you a promise and that is ki aapko kya karna hai, you will be watching the whole lecture, alright, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis and that should be your promise to yourself, alright. Agar aap khud se promise karenge na tabhi aap complete kar payenge, right? So the thing is you should go for it. Alright, now let's say कि भाई अब हम लोग बातें करते हैं किस चीज़ के बारे में कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, ठीक है, कहाँ से आती है. वैसे कहाँ वाला तो सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट होता है क्योंकि बहुत अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. ऑलराइट, बहुत दूर दूर बनती है जहाँ पर एक्चुअली में हम लोग, जैसे हमारा घर है यहाँ पर, राइट, आपका घर डेफिनेटली आपके घर, ठीक है, तो ये जहाँ पे भी आपका घर है एक्चुअली में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो बन नहीं रही. जहाँ पर एक्चुअली में बन रही होती है वहाँ से तुम्हारे घर तक आने में कितने सारे चेंजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, कितने कितने स्टॉपेजेस वहाँ होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है. नाउ सी, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है राइट नाउ, मैं आपको सिंपल एक बहुत ही सिंपल फिगर से बताना चाहूँगी, ठीक है. ये देखेंगे दिस इज़ दी जनरेटर और एट वी कैन से कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फिर चाहे वो किसी भी मेथड से हो रही हो सकता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो रही हो सकता है वो थर्मल पावर प्लांट से हो रही हो सकता है वो विंड सोलर पावर जनरेट हो रही हो या फिर विंड मिल से जनरेट हो रही हो. तो कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो वहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, राइट. वहाँ से आपके घर तक पहुँचना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ऑलराइट, एंड वही हम लोग देखने वाले हैं.
अब आप देखेंगे जनरेटर से जब इलेक्ट्रिसिटी बनी तो वो आई कहाँ पर, ग्रिड सबस्टेशन में. ठीक है, ग्रिड सबस्टेशन हर एक यू कैन से एरियाज का होता है. ठीक है, तो वो ये जो ग्रिड सबस्टेशन होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो इलेक्ट्रिक पावर होती है जो जनरेट की गई है, इस इलेक्ट्रिक पावर को 11,000 वोल्ट पे, यानी 11 किलो वोल्ट पे जो है ग्रिड सबस्टेशन पे इसको भेजा जाता है. रीजन बिहाइंड चूजिंग द 11 किलो वोल्ट वो इसलिए बिकॉज अगर इससे ज़्यादा हो जाए, राइट, अगर क्या हो कि भाई देखो यहाँ पर आई है 11 किलो वोल्ट. ठीक है, अगर इससे ज़्यादा 11 किलो वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज अगर हम बनाने की कोशिश करें या फिर क्रिएट करने की कोशिश करें तो द थिंग इज़ वहाँ पे इंसुलेशन डिफ़िकल्टीज आ जाती है. लाइक इंसुलेशन प्रॉपर नहीं हो सकता वहाँ पे, बहुत ज़्यादा यू कैन से टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है. और राइट, एंड द इंसुलेशन का प्रॉपर्टीज, लेट्स से अगर कोई कोटिंग होती है तो वो डेफिनेटली मेल्ट हो सकती है. सो द थिंग इज इंसुलेशन डिफ़िकल्टीज क्रिएट हो जाती हैं. अगर मैं 11 किलोमीटर से, नॉट मी, कोई भी जो भी जनरेट कर रहा है, सो द थिंग इज कि अगर 11 किलो वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पर तो इंसुलेशन डिफ़िकल्टीज होती है, और अगर कम होता है यहाँ पे तो करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, ज़्यादा करंट हो जाता है अगर 11 किलो वोल्ट से कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, एंड दैट्स वाई बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी. एंड डेफिनेटली उससे ज़्यादा क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एज अ हीटिंग चली जाएगी. तो जितनी बनाई थी वो इन्वायरमेंट में खो जाएगी वो एनर्जी, और हम तक पहुँचने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी. राइट, सो इस केस में डेफिनेटली ये चूज़ किया गया है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक पावर कहीं पर भी बनती है उसको ग्रिड सबस्टेशन पर भेजा जाता है 11 किलो वोल्ट पर. ठीक है, 11 किलो वोल्ट पर भेजा जाता है. अब देखते हैं कि देखो मैं आप, हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, उसके अंदर जब हमने देखा कि ये जो थिंग्स हैं, वी कैन डेफिनेटली से दैट, लेट मी टेल यू वन थिंग कि लेट्स से दिस इज द पावर. ठीक है, एंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी आई, हम लोगों ने वी आई इसका फॉर्मूला पढ़ा था, राइट. अब आप देख सकते हैं कि अगर इस पावर को कॉन्स्टेंट रखा जाए, अगर इस पावर को हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि जो V बन जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या है कि अगर क्या करना हो, मुझे करंट को कम करना हो, ऑलराइट, अगर मुझे करंट को कम करना होगा तो व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, इस पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ जाएगा या फिर वो डेफिनेटली अपने आप ही बढ़ जाएगा, राइट. सो द थिंग इज व्हाई आई वांट टू डिक्रीज द करंट, ताकि जो पावर लॉस है वो कम हो जाए. ठीक है, पावर लॉस क्या हो, कम हो जाए. एंड द थिंग इज कि हीटिंग इफेक्ट जो है, जो कि होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, सो द थिंग इज कि डेफिनेटली बात है, हम लोग अपनी एनर्जी को जो हमने बनाया है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पावर जो हमने बनाई है, उस एनर्जी को हम एज अ हीटिंग इफेक्ट नहीं जाने देना चाहते, हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करने देना चाहते. सो उसके केस में हमें क्या करने पड़ेगा, करंट को कम करना पड़ेगा ताकि एनर्जी कम लॉस हो. ठीक है, और क्योंकि वो आई स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, दैट्स वाई हम लोग को करंट कम करना पड़ेगा, उसके केस में हम लोग को वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा. सो अब क्या होगा, ग्रिड सबस्टेशन से क्या किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है. वो 11 किलो वोल्ट से कहाँ तक चला जाता है, 132 किलो वोल्ट को बना दिया जाता है. द थिंग इज क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें करंट को डिक्रीज करना है ताकि जिन भी पावर जो ऊपर ऊपर क्या हम लोग बोलते हैं ना कि वो क्या बोलो, जो पावर लाइन्स होती हैं, जो तार लगे होते हैं घर के बाहर दूर दूर तक जाते हैं, तो वो जो पावर्स हैं, वो जो लाइन्स हैं, ठीक है, वो लाइन से हीटिंग इफेक्ट ना हो, उनसे एनर्जी एनवायरनमेंट में ना खोए, ना लॉस हो, इस केस में क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है इसको इंक्रीज कर दिया जाता है वोल्टेज को. तो अब इट इज़ 132 किलो वोल्ट. ठीक है, अब ये 132 किलो वोल्ट हो चुका है. अब इसको कहाँ भेजा जाता है, मेन सबस्टेशन में भेजा जाता है. ये जो मेन सबस्टेशन होता है ये भी अलग अलग एरियाज के होते हैं. ठीक है, ये थोड़े स्मॉलर रीजन के होते हैं जो होते हैं, राइट, देखेंगे. और ये जो फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पर ये जो वोल्टेज है, जितना भी वोल्टेज है, ये किस पे बनाया जाता है, एक मेन फ्रीक्वेंसी होती है एंड दैट इज 50 हर्ट्ज. ठीक है, ये जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है इस पर इसको बनाया जाता है. और एंड द रीज़न बिहाइंड इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, अल्टरनेट हो जाता है. और राइट, और वो कब, 100 टाइम्स इन अ सेकंड, एक सेकंड के अंदर 100 टाइम्स वो ऐसा चेंज करता है, अपना पोलैरिटी चेंज करता है, राइट. एंड दिस इज द थिंग, एंड दैट्स वाई वट वी से इज कि यहाँ पर क्या होना होता है, वट इट कैन बी डन कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज हो जाती है. ठीक है, और इसीलिए कोई भी अगर आपको पूछे कि
आपके घर में कितनी फ्रीक्वेंसी मतलब इलेक्ट्रिक पावर आती है, तो यू कैन डेफिनेटली से दैट 50 हर्ट्ज़ ऑलराइट, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ फैक्ट यू कैन डेफिनेटली से. नाउ सी, ये जो पावर होती है उसको ट्रांसमिट किया जाता है बड़े बड़े डिस्टेंसेस पे ट्रांसमिट किया जाता है, अलग अलग सब स्टेशन पे जो है उसको भेजा जाता है मेन सब स्टेशन पे. ऑलराइट, अब एक डेफिनेटली आपको पता है कि हमको क्या करना होता है, इसको आगे भेज रहे हैं. नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज अ 33 किलो वोल्ट, अलग अलग जा रहा है 33 किलो वोल्ट पे, इस मेन सब स्टेशन से अलग अलग जगहों पे 33 किलो वोल्ट पे जो एनर्जी है उसको भेजा जाता है, इलेक्ट्रिक पावर को भेजा जाता है. राइट, जब वो सब स्टेशन पे आता है, ये इंटरमीडिएट सब स्टेशन है जो कि वी कैन से लिंकिंग मेथड हो जाता है. ठीक है, तो वी कैन डेफिनेटली से द लिंकिंग मेथड. नाउ सी हियर, ये जो लिंकिंग मेथड है, यू कैन से एक तरीके से मेन सब स्टेशन और सिटी सब स्टेशन के बीच में इंटरमीडिएट सब स्टेशन होता है. यहां पर क्या बनाया जाता है, यहां पर 11 किलो वोल्ट वापस से उसको कर दिया जाता है, जैसे वो जनरेट हुई थी वैसा का वैसा पावर यहां पे कर दिया जाता है और उसको भेज दिया जाता है कहां पे, हैवी इंडस्ट्रीज पे. ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज में क्यों भेजा जाता है, क्योंकि वहां पे क्या चाहिए होता है, उनको करंट ज्यादा चाहिए होता है, एंड दैट्स व्हाई उनको क्या किया जाता है, हैवी इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाता है. कहां से, हमने सब स्टेशन से भेजा. ठीक है, और यहां से एक लाइन कहां जा रही है, सिटी सब स्टेशन में जा रही है. सिटी सब स्टेशन में आप देख पा रहे हैं, उसके बाद यहां से 220 वोल्ट इतना ज्यादा लो कर दिया जाता है कि 220 वोल्ट तक वो चली जाती है. कुछ इंडस्ट्रीज में जिनको ज्यादा करंट नहीं चाहिए होता है वहां पर भी जो है इसको भेजा जाता है. अब ये जो 220 वोल्ट है ये हमारे घर में आता है एक्चुअली. ठीक है, तो आपको मेन चीज यहाँ पे क्या समझनी है, मेन चीज यहाँ पे ये समझनी है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या फिर यू कैन से इलेक्ट्रिक पावर जिस पोटेंशियल पर आता है, दैट इज 220 वोल्ट. ऑलराइट, सो यू कैन डेफिनेटली से दैट. ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, आपको मेनली इस चीज़ को समझना है. ऑलराइट, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को समझना है कि हुआ क्या यहाँ पे एक्चुअली में, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया गया किस पर, 11 किलो वोल्ट पर. राइट, देन उसको ग्रिड सबस्टेशन पे भेजा जहाँ पर उसको क्या किया गया, और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया और लार्ज लार्ज डिस्टेंसेस पे भेजा गया. ठीक है, बढ़ाया क्यों, ताकि करंट कम हो जाए और हीटिंग इफेक्ट से क्या हो, ज़्यादातर एनर्जी लॉस नहीं हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस नहीं हो, दैट्स व्हाई. उसके बाद उसको भेजा जाता है मेन सबस्टेशन पे, यहाँ पर जो है 132 किलो वोल्ट का क्या हो जाता है, 33 किलो वोल्ट बन जाता है. वहां से भेजा जाएगा इंटरमीडिएट सबस्टेशन से, 11 किलो वोल्ट जो है अब हो चुका है, ये जो सबस्टेशन है वो 11 किलो वोल्ट कर देगा यहाँ पे. राइट, उसके बाद हम हैवी इंडस्ट्रीज को जो है भेज देंगे जिनको ज़्यादा करंट की जरूरत होती है. ऑलराइट, एंड देन इट इज सेंड टू बी सिटी सबस्टेशन जहाँ पे लाइट इंडस्ट्रीज को जो है करना होता है, एंड यू कैन डेफिनेटली से 220 वोल्ट भी हमारे घर तक आता है. सो व्हाट द थिंग इज, ये जो सबस्टेशन हुए होते हैं ना वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते चलते हैं. ठीक है, ये जो सबस्टेशन है इनका काम एक्चुअली में यही है. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि इस तरीके से तो हमारे घर तक पहुंची है, नाउ लेट्स सी कि अब हमारे घर के अंदर एंटर होना है उसको. ठीक है, अब हमारे घर के अंदर एंटर होना है तो अब क्या होता है, दैट्स व्हाट वी वांट टू सी. ठीक है, तो आप क्या करो, फटाफट से इसको जो एक बार एनालाइज करो कि आर यू एबल टू मेंशन द थिंग, आर यू एबल टू सी द थिंग्स. सो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है हमारे घर के अंदर लाइट आ रही है. राइट, अब जो अब देखो लाइट तो नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी ही है. अब देखेंगे, आपको ये बात पता चली है कि जहाँ पर बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर जहाँ बनाई जाती है, हमारे घर तक पहुँचने में बहुत लंबा दूरी उसको ट्रैवल करना होता है. और राइट, तो जब वो या तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक लाइन से जो इतनी बड़े बड़े तार लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक ऊँचे इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, वहाँ से होते हुए आती है, या फिर कई जगह पर अंडरग्राउंड भी जो है ऐसे पोल्स ऐसे लाइन्स को इलेक्ट्रिक लाइन्स को बिछाया जा सकता है. सो देयर कैन बी टू मेथड्स. ठीक है, या तो वो ऐसे उनसे आ रही हो, पोल से आ रही हो, या फिर पोल्स से के थ्रू जो वायर्स होते हैं उनसे, या फिर वो अंडरग्राउंड वायर से आ सकती है. ठीक है, अब यहाँ पे मेन काम क्या है कि ठीक है हमारे घर के सामने जो पोल है वहाँ तक पहुँच गई इलेक्ट्रिसिटी, अब वो हमारे घर के अंदर एंटर किस तरीके से होती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. देखो सबसे पहले जहाँ से इलेक्ट्रिक पावर आ रही है, ठीक है, जिस लाइन से आ रही है उसके अंदर दो तरीके के वायर्स होते हैं. ठीक है, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है. यू कैन सी न्यूट्रल एंड लाइव. ये जो न्यूट्रल एंड लाइव वायर होते हैं, लाइव वायर को क्या किया जाता है, एक फ्यूज़
जो है बीच में कनेक्ट किया जाता है एंड दैट इज़ अबाउट 50 एम्पीयर का फ्यूज़ होता है। इस फ्यूज़ को बोलते हैं कंपनी फ्यूज़ या फिर पोल फ्यूज़। तो पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोल से इस फ्यूज़ में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक है, एंड देन इट कम्स टू द मीटर जो कि हमारे घर का मीटर होता है। और राइट, तब क्या है किलोवाट मीटर जो है होता है वहाँ पे, राइट। एंड क्योंकि आप लोग को ये बात पता चल चुका है अब कि किलोवाट आर को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है, तो उस मीटर में चला जाता है। नाउ व्हाट वी कैन से इज अबाउट दैट कि टू सप्लाई पावर टू अ हाउस आइदर द ओवरहेड वायर्स एंड पोल्स आर यूज्ड और एन अंडरग्राउंड केबल इज यूज्ड। और राइट, तो या तो बाहर से ऊपर से जो पोल्स के थ्रू जो वायर्स होते हैं उनसे आ सकता है या फिर अंडरग्राउंड केबल से भी आ सकता है। बिफोर द इलेक्ट्रिक लाइन इज कनेक्टेड टू द मीटर इन अ हाउस, इस मीटर से कनेक्ट होने के पहले क्या होता है, अ फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग दैट इज 50 एम्पीयर इज कनेक्टेड टू द पोल और बिफोर द मीटर, दिस इज कॉल्ड द कंपनी फ्यूज। और राइट, तो यहाँ पे 50 एम्पीयर दैट मीन्स बहुत ज़्यादा जो है करंट को ये झेल सकता है, राइट। तो ये 50 एम्पीयर का कंपनी फ्यूज यहाँ पर लगाया गया है, उसके बाद ये वाला जो लाइव है वो कनेक्टेड है हमारे मीटर से। और राइट, और ये हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं। नाउ सी कि ये जो केबल होती है उसके अंदर 3 तरीके वायर्स होते हैं जनरली, कभी कभी 2 भी होते हैं, क्योंकि थर्ड वायर जो अर्थ वायर होता है वो हम लोग अपने घर से भी जो है कनेक्ट करके रखते हैं। लाइक जैसे किसी एक घर में अगर हम मेटल कंडक्टर कॉपर की प्लेट अगर हम ज़मीन में नीचे लगा देते हैं घर को कंस्ट्रक्ट करने के पहले, सो दैट कैन ऑल्सो बी वर्क एज अ अर्थ वायर और हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं हमारे घर में, राइट। बट अर्थ वायर सभी के घर में होना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन, राइट। अब देखेंगे द केबल यूज फॉर कनेक्शन हैज 3 वायर्स लाइव, ठीक है, सेकेंड न्यूट्रल एंड थर्ड इज द अर्थ वायर। देखेंगे द न्यूट्रल एंड द अर्थ वायर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एट द लोकल सबस्टेशन, ठीक है, ये जो सबस्टेशन पे लोकल सबस्टेशन जो हमने सिटी सबस्टेशन देखा था, ठीक है, वहां पर सो द न्यूट्रल वायर इज एट द अर्थ पोटेंशियल, उनको क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जो न्यूट्रल वायर है वो अर्थ का जो पोटेंशियल उसी पे रहता है, दैट इज जीरो, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर किस पे रहेगा, जीरो पे रहेगा। और हमें ये बात पता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है कितना, 220 वोल्ट जो आ रहा था सिटी सबस्टेशन से वो कितना आ रहा है, 220। दैट मींस लाइव वायर आ रहा है 220 वोल्ट पर, लेकिन जो न्यूट्रल वायर है वो किस पे रहता है, जीरो वोल्ट पे रहता है, ठीक है। आफ्टर द कंपनी फ्यूज द केबल इज कनेक्टेड टू अ किलोवाट मीटर, फ्रॉम द मीटर कनेक्शन आर मेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड थ्रू अ मेन फ्यूज एंड अ मेन स्विच। अब देखो ये जो किलोवाट मीटर है, मतलब ये हमारे घर का मीटर है, मेन मीटर जो है, इसके बाद होता है मेन फ्यूज, ऑलराइट, एंड ये जो मेन फ्यूज होता है फिर ये मेन स्विच के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। मेन स्विच यहाँ पे जो है लगाया जाता है आपके घर का मेन स्विच, अभी तक हम रूम्स के अलग अलग स्विच बोर्ड तक नहीं गए हैं, ठीक है। देखेंगे ये जो मेन स्विच होता है इज अ डबल पोल स्विच, उसको हम डबल पोल स्विच बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास जो है आयरन कवरिंग होती है एंड ये जो कवरिंग होती है उसको हमने अर्थ करके रखा होता है, ठीक है। दस दिस स्विच इज यूज टू कट द कनेक्शंस ऑफ द लाइव एज वेल एज द न्यूट्रल वायर्स साइमल्टेनियसली, मतलब जब कभी ऐसा होता है ना कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर तुमको लगता है कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो हम क्या करते हैं, मेन स्विच जाके ऑफ कर देते हैं। वो मेन स्विच क्या काम करता है, वो मेन स्विच क्या करता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों का कनेक्शन स्टॉप कर देता है। तो एक तरीके से हम पूरे घर को बचा सकते हैं। तो ये तो एक मेथड हो गया, हाउ यू कैन डू दैट, ठीक है। तो इसका मेनली काम क्या होता है कि ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों को ही क्या कर सकता है, कनेक्शन हटा देता है, ठीक है। द मेन स्विच एंड द मीटर आर लोकली अर्थ, उनको पहले से ही अर्थ करके रखा होता है इन द कंपाउंड ऑफ द हाउस, घर में ही जो है ऐसा किया जाता है। From the distribution board, the wires go to the different parts of the house. अब यहाँ से इससे कहाँ जाएगा, देखेंगे 3 बन चुके हैं lines. पहली है live, second है neutral and third is earth. अब जो है हमारे घर में अलग अलग rooms में अलग अलग जगहों पे kitchen और you can say any room, definitely हर एक part में light तो चाहिए ही चाहिए. So the thing is कि हर एक part में आपके घर के हर एक part में अब जो है इस main switch से अब connection जाएंगे, ठीक है। ये जो कनेक्शन जाएंगे ये 2 तरीके से जा सकते हैं, मतलब एक तरीके से हम बोले कि वायरिंग जो होती है घर की वो 2 टाइप में होती है, एक पुराना मेथड है एक नया मेथड है। पुराना मेथड बहुत ही कम यूज़ होता है और जिसे हम बोलेंगे ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है देखो ये इसमें क्या होता है, एक तरीके से हमने ट्री नाम क्यों रखा, बिकॉज
कि इसके अंदर एज अ ब्रांचेस निकलती हैं, वायर्स की ब्रांचेस निकलती हैं जो पूरे घर में फैली होती हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। इन द सिस्टम डिफरेंट ब्रांच लाइंस आर टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस। ये यहाँ से ये देखेंगे, दिस इज द मीटर, बाहर से लाइन्स आ रही हैं, बहुत सारी लाइन्स आ रही हैं, राइट, यू कैन से वायर्स आ रहे हैं तीन तरीके के, और राइट वो फिर क्या जा रहे हैं, इस मेन फ्यूज, जो हमने क्या बोला था, कंपनी फ्यूज से जा रही है, एंड देन इट इज गोइंग इन टू द मीटर, मीटर से जा रहा है मेन स्विच। अब यहाँ से ये जो मेन स्विच है, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अब यहाँ से क्या हो रहा है, अलग अलग रूम्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये एक रूम है जहाँ पे बल्ब कनेक्टेड है, यहाँ पे स्विच है, दूसरा रूम है जहाँ पे पंखा कनेक्टेड है, रेगुलेटर है, बटन है, ठीक है, थर्ड वाले में एक स्विच, एक प्लग है, यू कैन से दैट। तो अब क्या हो रहा है, एक ही रूम में अगर बल्ब, ये पंखा और प्लग अगर तीनों ही चीज़ें होती हैं तो ये बहुत ही एक तरीके से डिसएडवांटेजियस सिस्टम बन जाता है। वो क्यों बन जाता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये जो ब्रांचेस होती हैं, दीज ब्रांचेस लाइंस लुक लाइक द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, एंड दैट इज वाई इसका जो नाम है वो ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग है। ईच ब्रांच लाइन इज टेकन टू अ रूम थ्रू अ फ्यूज इन द लाइव वायर। देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि हर एक रूम के अंदर जब लाइन जाती है तो क्या होता है, लाइव वायर में एक फ्यूज लगा होता है। तो द थिंग इज, रूम के अंदर जाने से पहले फ्यूज लगा होता है। तो अगर रूम के अंदर मानो जैसे बल्ब में कुछ हो गया, ठीक है, या फिर फैन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फ्यूज कट आउट हो जाएगा और पूरे रूम की लाइट चली जाएगी। ठीक है, दिस इज द मेन यहाँ पे डिसएडवांटेज है। देखेंगे द डिफरेंट सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट इफ देयर इज अ शॉर्ट सर्किट इन वन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट, इट्स फ्यूज विल ब्लो ऑफ विदाउट अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द अदर सर्किट। अब अगर मान लीजिए इसमें, लेट्स से दिस इज द रूम वन एंड दिस इज द रूम टू एंड दिस इज द रूम थ्री, अगर रूम वन के अंदर कुछ ना कुछ हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, एंड यहाँ का फ्यूज कट आउट हो जाता है, तो ये एक दो तीन ये अलग अलग रूम्स हैं, ये तो पैरेलल में लगे होंगे ही, डेफिनेट सी बात है। लेकिन अगर इसका पूरा का पूरा फ्यूज अगर कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है, ठीक है, तो फ्यूज ने बचा लिया बाकी सर्किट्स को, बाकी रूम के सर्किट्स को बचा लिया, मतलब बाकी रूम के अंदर तो सब कुछ ऑन रहेगा, लेकिन इस रूम के अंदर ना तो बल्ब जलेगा, ना तो पंखा चलेगा, ना तो कोई और काम होगा, बिकॉज इस पूरे रूम का जो है स्विच बंद हो चुका है, क्योंकि फ्यूज वहां पे बंद हो चुका है, राइट। सो दिस इज द मेन, वी कैन से एक तरीके से यही फीचर होता है। द न्यूट्रल एन एंड द अर्थ ई आर कॉमन फॉर ऑल द सर्किट्स। देखेंगे ये न्यूट्रल फेज और ये अर्थ, ये वाले जो मतलब अर्थ और न्यूट्रल, ये दोनों तो सेम रहते हैं हर एक उसके लिए, कॉमन रहते हैं, ठीक है। द कनेक्शन टू द न्यूट्रल एन इज टू कंप्लीट द सर्कल, ये तो जरूरी। देखो न्यूट्रल जो वायर है वो जीरो पे रहता है और जो लाइव वायर रहता है वो 220 वोल्ट पे रहता है, तो देयर हैज टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी तरीके से पूरा सर्किट को कंप्लीट करते भी हैं दोनों। ऑलराइट, सो देखेंगे ऑल द अप्लायंसेस इन अ रूम आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट दे वर्क एट द सेम वोल्टेज। अब एक ही रूम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस अगर होते हैं तो वो सेम उस पर काम करेंगे, सेम वोल्टेज पे काम करेंगे, तो ये तो एक तरीके से प्रॉफिटेबल चीज़ हुई कि सभी को सेम वोल्टेज मिल रहा है, एंड दैट्स वाई दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हम लोगों ने ऑलरेडी पैरेलल कनेक्शन के फीचर्स देख लिए हैं, राइट। द लाइन वायर्स यूज्ड फॉर कनेक्शन शुड बी ऑफ प्रॉपर करंट कैरिंग कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग ऑफ द अप्लायंस टू अवॉइड देयर ओवरहीटिंग। हर एक अप्लायंस की पावर रेटिंग डिफरेंट होती है, ये भी हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब क्या होगा कि अगर पावर रेटिंग डिफरेंट हुई तो मतलब उसके अंदर अलग तरीके से हीटिंग हो सकती है, और करंट का वैल्यू उन लोगों को अलग अलग तरीके से चाहिए हो सकता है, तो इस तरीके का कनेक्शन इस तरीके से बनाया जाता है कि ऐसा हो, ठीक है। बट द थिंग इज कि प्रॉपर होना चाहिए ताकि ओवर हीटिंग ना हो, अलग जो अप्लायंसेस हैं उनका प्रॉपर हीटिंग ना हो। ऑलराइट, द ओवर हीटिंग इन द लाइन ऑफन रिजल्ट्स इन फायर, द स्विचेस एंड सॉकेट शुड हैव ऑल्सो द प्रॉपर करंट कैरिंग कैपेसिटी। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, ओवर हीटिंग होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, राइट। सो जितने भी सॉकेट्स होते हैं, जितने भी यू कैन से स्विच बोर्ड्स होते हैं, वो सभी के सभी उनका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो डेफिनेटली सही होना चाहिए। दैट मीन्स वो कैसे होने चाहिए, न्यू यू कैन से इंसुलेटर्स होने चाहिए, राइट। अब देखो क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं इसके, पहली बात जो हम लोगों ने देखी वो ये देखी कि अगर एक रूम का फ्यूज़ है, ठीक है, वो पूरे रूम में कैंसिल आउट कर देगा सारा पावर सप्लाई को, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। अगर एक पंखे, मतलब यू कैन से कि एक रूम के पंखे में कोई प्रॉब्लम हुई तो ना तो बल्ब चलेगा, ना कोई और स्विच बोर्ड चलेगा, तो दैट वुड बी वेरी मच लॉस फॉर अस, राइट। देखेंगे इट रिक्वायर्स प्लग एंड सॉकेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फॉर डिफरेंट करंट कैरिंग कैपेसिटीज। अब अगर वहाँ पर कुछ बल्ब को कोई और करंट चाहिए, उसके लिए डिफरेंट लगेगा, ठीक है। अगर पंखे को कोई और करंट चाहिए, उसके
लिए डिफरेंट लगेगा. सो अलग अलग यू कैन से करंट कैरिंग कैपेसिटीज के लिए अलग अलग सॉकेट्स लगाने पड़ सकते हैं. व्हेन द फ्यूज इन वन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ब्लोज इट डिस्कनेक्ट ऑल द अप्लायंसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन. एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यू कैन से एक रूम की लाइन अगर कनेक्शन टूट जाता है तो डेफिनेट सी बात है इसके अंदर मौजूद जितने भी अप्लायंसेज है वर्क करना बंद कर देंगे बिकॉज उनके अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट जा ही नहीं रहा. राइट, दिस इज द डिसएडवांटेज. सेकेंड, दिस वायरिंग इज एक्सपेंसिव क्योंकि आई डोंट नो वाई बट द थिंग इज कि ये एक्सपेंसिव होता है बहुत ज्यादा. अलग अलग तुम्हें करंट कैरिंग कैपेसिटीज का यूज करना पड़ेगा. दैट्स वाई यहाँ पर जो वायरिंग होगी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी. नॉट द इनएक्सपेंसिव बट वेरी हाई अमाउंट में एक्सपेंसिव होता है. इफ अ न्यू अप्लायंसेज टू बी इंस्टॉल्ड रिक्वायरिंग हायर करंट से 15 एम्पियर वाइल द ओरिजिनल सर्किट इन द रूम इज फॉर 5 एम्पियर रेटिंग. तो आप देखेंगे कि अगर एक रूम के अंदर, ठीक है, ये मान लीजिए रूम में पूरा 5 एम्पियर रेटिंग का पूरा सिस्टम लगाया हुआ है. अब मान लीजिए आप इस रूम के अंदर एक डिवाइस फिट करना चाहते हो जो कि 15 एम्पियर का करंट लेगा, तो उसके लिए आपको पूरा वायरिंग अलग करना पड़ेगा. इस पूरे रूम की वायरिंग अलग करनी पड़ेगी ताकि वो 15 एम्पियर पे वर्क कर सके. सो दैट वुड बी वेरी मच कॉस्टली और हम लोग बोल सकते हैं कितने डिसएडवांटेजेस है बार बार. अब अगर आप एक नया डिवाइस लेकर आते हो तो आप पूरे घर का वायरिंग चेंज नहीं करवा सकते और उस रूम का पूरा वायरिंग चेंज नहीं करवा सकते. तो दैट इज वेरी मच लॉस फॉर इस और इसी वजह से इतने सारे जो हैं इसके डिसएडवांटेज होने की वजह से वी डिस्कार्डेड दैट सिस्टम. और अब जो है मेनली एक नया सिस्टम है जो कि रिंग सिस्टम कहलाता है और जनरली यही नए घरों में तो स्पेसिफिकली यही यूज होता है. ट्री सिस्टम अब यूज नहीं होता, ठीक है, और होता भी है तो बहुत ही कम यूज होता है. पुराना मेथड बोलते हैं हम उसको. सो व्हाट इज द रिंग सिस्टम? इसमें क्या होता है कि ये जो लाइव वायर होता है और ये जो न्यूट्रल वायर होता है पूरे घर में फैला होता है, ठीक है. तो हर एक स्विच बोर्ड, हर एक बल्ब होल्डर, हर एक यू कैन से एवरीथिंग, जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप यूज कर रहे हैं वो सबके सब में एक टर्मिनल जुड़ा होता है लाइव से, दूसरा टर्मिनल जुड़ा होता है न्यूट्रल से, ठीक है, और एक थर्ड होता है जो कि अर्थ का होता है, ठीक है. तो अब आप देखेंगे द रिंग सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर इज नाउ रैपिडली रिप्लेसिंग द ओल्डर ट्री सिस्टम. डेफिनेटली इसको रिप्लेस कर रहा है बिकॉज ट्री सिस्टम में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. दैट्स व्हाई इट कंसिस्ट ऑफ रिंग सर्किट. आप देख सकते हैं इस तरीके का एक रिंग बन जाती है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रिंग सिस्टम, ठीक है. वायर स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन फ्यूज बॉक्स रन अराउंड ऑल द मेन रूम्स ऑफ द हाउस एंड देन कम बैक टू द फ्यूज बॉक्स अगेन. देखो लाइव से जा रहा है पूरे घर भर में जो है ये घूमकर वापस से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है. न्यूट्रल से जा रहा है पूरे घर भर में घूम के न्यूट्रल कनेक्ट हो जाता है. तो एक तरीके से सभी को लाइव मिल रहा है, सभी को न्यूट्रल मिल रहा है, राइट. द फ्यूज बॉक्स कंटेन्स अ फ्यूज ऑफ रेटिंग अबाउट 30 एम्पियर. ये जो मेन फ्यूज होता है जहां से जो है जा रही है लाइव और न्यूट्रल, तो वहां पे 30 एम्पियर का मेन फ्यूज लगाया जाता है, ठीक है. Now let's talk about a separate connection is taken from the live wire of the ring for each appliance. हर एक अप्लायंस के लिए, बल्ब हो, फैन हो, कोई और डिवाइस हो, कोई सॉकेट हो, ठीक है, हर एक के लिए लाइव वायर जुड़ा होता है, हर एक में न्यूट्रल वायर जुड़ा होता है, ठीक है. द टर्मिनल ऑफ द अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर थ्रू अ सेपरेट फ्यूज एंड अ स्विच. उसके लिए अलग फ्यूज होता है, अलग स्विच होता है हर एक डिवाइस के लिए, जहां से लाइव वायर उस डिवाइस को कनेक्ट कर रहा होता है, उस डिवाइस के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है. इफ द फ्यूज ऑफ वन अप्लायंस इज बर्न, अब मान लो कि बल्ब का फ्यूज अगर जैसे बर्न हो गया तो सिर्फ बल्ब काम करना बंद करेगा, फैन उस रूम का चलेगा, उस रूम के बाकी सॉकेट्स काम करेंगे, सिर्फ बल्ब को नुकसान होगा, ठीक है. मतलब बल्ब बच जाएगा एक तरीके से क्योंकि फ्यूज जो है जल चुका है, ठीक है. तो ये एक तरीके से दूसरे अप्लायंसेस को अफेक्ट नहीं करेगा और यही इसका फायदा भी है एक तरीके से, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रूम में सारा लाइट चला गया है, अब उसमें कुछ नहीं चल रहा है, ना बल्ब चल रहा, ना फैन चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, भले ही प्रॉब्लम सिर्फ बल्ब में हुई हो, ठीक है. तो अब इसकी वजह से, रिंग की वजह से क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अगर बल्ब में प्रॉब्लम है, बल्ब का फ्यूज अगर चला गया है तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन उसी रूम का फैन जलेगा, उसी रूम में बाकी सारी चीज़ें जलेंगी, तो बाकी का काम हमारा जो है रुकेगा नहीं, वो काम चलता रहेगा. फॉर ईच अप्लायंसेज द वायर्स यूज्ड फॉर कनेक्शन शुड बी ऑफ प्रॉपर करंट कैरिंग कैपेसिटी. हर एक उसमें, हर एक अप्लायंस के लिए वायर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर करंट कैरिंग कैपेसिटी के तो होने ही चाहिए बिकॉज दैट इज नेसेसरी. कोई भी हीटिंग नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा. नॉलेज टॉक अबाउट इट्स एडवांटेज. बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, ठीक है, कुछ हम एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं. सो द नंबर वन इज द करंट कैन ट्रैवल टू एन इंडिविजुअल अप्लायंसेज थ्रू टू सेपरेट पाथ्स. दो सेपरेट पाथ से जा सकता है करंट जो है उसके अंदर, किसी भी अप्लायंस के अंदर,
Thus, effectively, the connection for each appliance is through double thickness of wire, and therefore, the wire used for ring main is of lower rating than that which would be required for a direct connection to the mains, is reducing the wire. अब देखोगे यहाँ पे जैसे ये live wire है, ठीक है, ये से connection हो रहा है, bulb connected है, ठीक है, इससे अब यही connection है, इससे अब ये सब एक साथ एक दूसरे से connected है, तो यहाँ पे जो wiring का cost है, that would be low because wiring का कम होगा और वहाँ पे हर किसी के पास जाने के लिए ना two paths हो सकते हैं, ठीक है, तो it is the benefit of this ring system, right? The second one is plugs and sockets of the same size can be used, but each plug should have its own fuse rating suitable to a particular. अलग अलग साइज के हम यूज कर सकते हैं, but the thing is हर किसी में अपना अपना फ्यूज लगा होगा ताकि एक ही जो है डिवाइस को नुकसान पहुंचे या फिर एक ही चीज का फ्यूज जो है वो उड़े ताकि बाकी चीजों को नुकसान नहीं हो और प्रॉब्लम भी नहीं हो. Another advantage for the system is that installing a new appliances, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब अलग अलग के लिए सबके लिए different different है, right? तो अगर हम कोई और डिवाइस नया लेकर आते भी हैं तो बहुत ईजी होगा उसको कनेक्ट करना, बिकॉज हमको नई वायरिंग नहीं लगवानी पड़ रही, हम इसी वायरिंग में जो है एक और फ्यूज लगा के उसको कनेक्ट कर सकते हैं. सो ये बहुत ही बेनिफिट है कि हमको बार बार वायरिंग नहीं चेंज करनी होती है, ठीक है. और डेफिनेट सी बात है कि अगर यहाँ पे 30 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ जाता है तो डेफिनेट सी बात है पूरा मेन फ्यूज ही जो है हट जाएगा, एंड दैट व्हाट इट विल सेव द होल सर्किट. तो इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल, आई थिंक रिंग सिस्टम इज वेरी मच बेनिफिशियल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम. वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं और हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करती हैं, ऑलराइट. बट द थिंग इज़ कि हीटिंग इफेक्ट के अंदर हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो मटेरियल जो हम जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं दैट इज़ नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम वायर हम लोग यूज़ करते हैं. एंड वाई वी डू दैट, हम ऐसा क्यों करते हैं, नाइक्रोम क्या होता है, एक अलॉय होता है, ठीक है, और वो किससे बना होता है, निकल और क्रोम से बना होता है, ठीक है. यू कैन सी हम जो नाइक्रोम होता है, आप इसके नाम में ही देख सकते हो, आधा आधा देखो, ये नाइ इज फॉर निकल एंड क्रोम इज फॉर क्रोमियम, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो मेटल्स को मिला के कैसे रेशियो में, 4:1 मिलाकर निकल और क्रोमियम को 4:1 मिलाकर नाइक्रोम बनाया जाता है और वो एक बहुत अच्छा एलॉय होता है. क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एलॉय की देखेंगे, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी. ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा और वो सारी की सारी एनर्जी इन अ हीटिंग इफेक्ट में चलेगी और ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है, जैसा कि हीटर में हो गया, जैसा कि आयरन में हो गया, ऐसा. अ नाइक्रोम वायर ऑफ ऑर्डिनरी लेंथ शोज सफिशिएंट रेजिस्टेंस, काफी हद तक अच्छा रेजिस्टेंस वो दिखा देता है जितना नीडेड होता है. ऑलराइट, इट कैन विदस्टैंड हाई टेंपरेचर विदाउट ऑक्सीडेशन, बिना टूटे या फिर बिना ऑक्सीडेशन हुए बहुत ज्यादा टेंपरेचर को वो विदस्टैंड कर सकता है, सह सकता है, उसका इतना कैपेसिटी होता है. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई और इसी वजह से यूज भी किया जाता है, क्योंकि अगर ये कम करंट पे वायर जो है मेल्ट हो जाता तो फिर इसको तो फ्यूज वायर बना दिया जाता, राइट. तो इसको ये वायर जो है हम ऐसे यूज नहीं लेते, फिर हम इसको फ्यूज में लेते. सो द बेसिक थिंग इज कि हम लोग जनरली नाइक्रोम यूज करते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज नाइक्रोम में होती हैं, ठीक है. नाइक्रोम एक अलॉय होता है जो कि निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, ऑलराइट, ठीक है. तो देखेंगे तो इतनी सारी जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं इसके बारे में, तो अब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, हमको क्या मेन मोटिव हमारा क्या है इस तरीके के अप्लायंसेस में, वो ये मेन मोटिव है कि हमको हीट चाहिए, राइट. इसका मतलब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ कलर जो करंट है उसका हम फायदा उठा रहे हैं. अब ये कैसे, लो रेजिस्टिविटी करके, बिकॉज कम अगर उसका जो रेजिस्टिविटी होगी तो ज़्यादा करंट जा सकता है. तो ये केस किस में हो जाएगा, कॉपर की वायरिंग में हो जाएगा, जिसकी वजह से आराम से जो है करंट जा सके. ऐसे केसेस जहाँ हमें हीटिंग चाहिए होगी वहाँ पर हम हाई रेजिस्टेंस रखते हैं और उसकी वजह से क्या होगा, कम करंट जा पाएगा. एंड दैट्स हाउ क्या होता है, कम करंट जाने की है वजह से सारा का सारा जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट में चेंज हो जाएगी और वायर का टेम्परेचर बढ़ा देगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैज़र्ड. क्या होना होता है भाई, आपको क्यों इलेक्ट्रिसिटी से बचना चाहिए, आपके लिए क्यों इलेक्ट्रिसिटी जो है डेंजर हो सकती है, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. सो द थिंग इज, आपको कभी भी लाइव वायर को टच नहीं करना है. क्यों नहीं करना है, बिकॉज जब आप लाइव वायर को टच करते हो तो करंट आपके बॉडी के अंदर से जाता है. यू डू नो ना कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कंडक्टर होती है, तो करंट हमारे अंदर से जाएगा, ठीक है. अगर वो हमारे अंदर से और हमने कोई रबर का कोई वी कैन से हमने कोई
इंसुलेशन नहीं दिया हो, ठीक है, अगर वो क्या करे, वो हम लोगों ने रबर का चप्पल नहीं पहना है, ठीक है, या फिर हमने कोई इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो हमारे अंदर से होता है वो धरती के अंदर चला जाएगा एंड दैट्स हाउ सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए जो इलेक्ट्रीशियंस आते हैं या फिर आप खुद भी, जब कभी भी इस तरीके की कोई खतरा जो है मोल रहे, वैसे तो लेना नहीं चाहिए आपको डेफिनेटली, बट व्हेनेवर यू डू दैट सच थिंग ऑलवेज वेयर अ रबर, यू कैन से रबर शूज और रबर यू कैन से स्लीपर्स, ताकि क्या हो, जो पूरा सर्किट बनता है आपके अंदर से करंट फ्लो होते होते ज़मीन पे जाते जो पूरा सर्किट बनता है वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा एंड दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगेगा। तो ऑलवेज यू शुड अवेयर और मेक योरसेल्फ अवेयर, आसपास के जितने भी लोग हैं उनको बोलो कि व्हेनेवर यू डू सम इलेक्ट्रिसिटी वर्क ऑलवेज वियर रबर स्लीपर्स और किसी तरीके का इंसुलेशन प्रोवाइड होना चाहिए, वुड पे खड़े हो जाओ, ठीक है, ये भी अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, प्लास्टिक का शीट या फिर उस पर कुछ खड़े हो जाओ तो वो भी काफ़ी हद तक इंसुलेशन प्रोवाइड कर देता है। सो यू शुड ऑलवेज यूज सम इंसुलेशन थिंग, ताकि क्या कर सके, सर्किट ब्रेक हो सके एंड दैट्स हाउ आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। सेकेंड थिंग इज, कभी भी वेट हाथों से, ठीक है, या फिर आप जैसे जस्ट फ्रॉम आप बाथ से निकले ही हैं और तो आपकी पूरी बॉडी जो है वेट होती है, उस केस में भी आपको इलेक्ट्रिक स्विचेस और इन सब से दूर रहना है, बिकॉज ऐसे टाइम पर जब हमारी बॉडी वेट होती है करंट का अमाउंट बढ़ जाता है। करंट का अमाउंट बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, जो करंट है डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा, क्या होगा, हमारे खुद के जो सेल्स हैं वो बर्न हो जाएंगे और आप बोल सकते हैं कि कितना ज़्यादा डैमेज हमारी बॉडी में होगा वो डिपेंड करेगा करंट पे, कि कितना ज़्यादा करंट है। ऑलराइट, सो यू शुड डेफिनेटली मेक योरसेल्फ अवेयर कि कभी भी वेट हाथों से नहीं छूना है किन्हीं भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, ऑलराइट, और कभी भी जैसे बात करते ही आ जाते हैं, राइट, तो उस वक्त अगर हम ऐसा छू देते हैं तो फिर बहुत नुकसान होता है, ऑलराइट, और ये कितना ज़्यादा बॉडी को डैमेज कर सकता है, अंदर के सेल्स को डैमेज कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा करंट जो है इंक्रीज हुआ है, राइट, सो यू शुड डेफिनेटली बी अवेयर ऑफ दैट एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आपको। और बताए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि एक्सट्रीम मतलब कुछ ज़्यादा ही अगर ऐसा हो जाता है तो इन केस में डेथ दैट्स हो सकती हैं, सो यू हैव टू बी अवेयर, ऑलराइट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू सच टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। सो द बेसिक इंटेंट ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस इज़ कि आपको क्या करना है, आपको मेनली इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना है, सेफली यूज़ करना है, दैट इज़ द ओनली इंटेंट आई वॉन्ट टू टेल। नाउ सी, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आते हैं वो तीन तरीके के वायर्स होते हैं, राइट, नंबर वन इज़ व्हाट, लाइव, जो पहले जो ओल्डर वर्जन था, कलर कोडिंग जो होती थी वायर्स की, पहले वाले में क्या होता था, ओल्ड वाले में रेड कलर का लाइव वायर होता था, खतरा जिसमें डेंजर हमको शो करना होता था तो वो रेड कलर का बनाया जाता था, ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर बनाया जाता था और जो अर्थ वायर है वो ग्रीन कलर का बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो नया कन्वेंशन निकला है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको लाइव वायर जो है वो ब्राउन कलर का मिलेगा, ठीक है, और जो न्यूट्रल वायर है वो ब्लू कलर का मिलेगा और जो अर्थ वायर है वो ग्रीन रहेगा या फिर येल्लो, ठीक है। तो मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको सिंपल उनके कलर का मतलब इंसुलेशन, उनके ऊपर जो रबर का इंसुलेशन है ना वो किस कलर का है उसके हिसाब से आप डेफिनेटली पता कर सकते हो कि ये लाइव वायर है या न्यूट्रल वायर है या फिर अर्थ वायर है, यू कैन डेफिनेटली सी दैट, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया नॉलेज है कि भाई आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये बात तो पता चल गई है कि हर एक अप्लायंसेस में एक टर्मिनल जुड़ा होता है लाइव से, एक टर्मिनल जुड़ा होता है न्यूट्रल वायर से, ठीक है। द थिंग इज कि अब क्या होगा कि क्या होता है, जैसे आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके पास मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, वो जो मेटेलिक बॉडी है अगर हमने उसको अर्थ वायर से कनेक्ट करके रखा होता है, ठीक है, अगर हम उसको अर्थ वायर से कनेक्ट करके रखते हैं तो फिर क्या होता है, मान लीजिए कि क्या होगा, मान लीजिए जो उसका बॉडी है, उसका जो आयरन का बॉडी है या फिर मेटल का बॉडी है, उसके अंदर करंट आ गया तो वो अर्थ वायर से कनेक्ट होते होते धरती में चला जाएगा और आपको करंट नहीं लगेगा। सो ये हुई अर्थिंग, ठीक है। तो ये हमको हेल्प भी करती है कई केसेस में, बहुत सारे केसेस में, बट द थिंग इज क्या होता है कि अर्थिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जाता है, तो वी शुड बी डेफिनेटली अवेयर अबाउट दैट। और क्या होता है कि जैसे ज़्यादा करंट अगर आया, मान लीजिए ज़्यादा करंट आता है फ्यूज़ में से होकर जाएगा तो फ्यूज़ ब्रेकआउट हो जाएगा, इस वजह से भी क्या हो सकता है, हमें बचाव हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली वी शुड यूज़ द फ्यूजेस ऑल्सो, ऑलराइट, एंड मेक श्योर कि आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग हो। अर्थिंग प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, करंट्स आते हैं कूलर्स में आ जाते हैं, कूलर की बॉडी क्योंकि मेटालिक होती है तो इस वजह से वहाँ पर जनरली करंट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे
सारी डेथ्स इस बात से कॉज होती रहती हैं। सो द थिंग इज कि आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर कोई भी मेटालिक बॉडी है किसी भी डिवाइस की, सो मेक श्योर कि उसकी जो मेटालिक बॉडी है वो अर्थ वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा करंट जो उसकी मेटालिक बॉडी में है वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थिंग में चला जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू आर सेफ फ्रॉम द करंट और द इलेक्ट्रिक शॉक। ऑलराइट, सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाट इज द थिंग इज। ऑलराइट, और आपको पता है कि जो थ्री प्लग सॉकेट होता है ना, आप ये बात जानते हैं, थ्री प्लग सॉकेट होता है, उसमें ऊपर वाला जो होता है, लेट मी मेक अब, ठीक है, कुछ इस तरीके का, जैसे दिस इज द सॉकेट, यहाँ पर होता है मेन, ठीक है, यहाँ पे तो छोटे होते हैं, दिस वन ये इक्वल होता है, वैसे ये जो होता है ना ये लाइव वायर से कनेक्टेड होता है, ठीक है, इन दोनों में से एक कोई भी लाइव वायर से कनेक्टेड होता है, दूसरा न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड होता है, और ऊपर वाला अर्थ वाला होता है, ठीक है, दिस इज फॉर द अर्थिंग, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, उसकी जो मेटालिक बॉडी होती है वो वायर से कनेक्ट होती है, उसके प्लग के अंदर जो ऊपर वाला मेन होता है ना, वो जो मेन होता है वो क्या होता है, इस अर्थिंग से कनेक्टेड होता है, तो वी कैन से दिस इज फॉर द लाइव, ठीक है, लाइव से कनेक्टेड होता है, दिस इज फॉर द न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल से कनेक्टेड होता है, सो यू कैन डेफिनेटली नो अबाउट इट। तीन सर्किट्स क्यों होता है, बिकॉज एक लाइव से कनेक्टेड होता है, एक न्यूट्रल से और एक अर्थिंग से कनेक्टेड होता है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला आपको अर्थिंग हमेशा देता है, प्रोवाइड करता है। नाउ द थिंग इज दैट इज द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑलराइट, तो ये देखो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, जैसे हमारे घर में फ्यूज होता है ना, ये एक तरीके से वही काम करेगा, ठीक है, ये एक तरीके से वही काम करेगा, बट इसमें क्या नई चीज़ है, वो ये है कि फ्यूज़ क्या होता है, एक बार अगर टूट गया फ्यूज़, मान लीजिए उसमें से ज़्यादा करंट आ गया, उसका वायर मेल्ट हो गया, तो अब वो किसी काम का नहीं, आपको नया फ्यूज़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट द थिंग इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के साथ ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है, ये स्विच नीचे हो जाता है, जैसे करंट ज़्यादा आया ना तो ये स्विच नीचे हो जाता है, नीचे हो जाता है तो इसका मतलब घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, तो मतलब जो भी है, जिस भी डिवाइस को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसका सर्किट करंट ऑफ हो जाएगा, सर्किट ऑफ हो जाएगा तो करंट ऑफ हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ इट इज सेव। लेकिन हाँ, अगर इसको वापस ऊपर कर दे तो वापस से कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो ये एक तरीके से स्विच का काम करेगा, इट इज़ अ स्विच दैट ऑटोमेटिकली स्विचेज ऑफ अ सर्किट इफ द करंट एंड इट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड मैक्सिमम लिमिट, तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है, और जब कभी हमें वापस चाहिए होता है हम इसे ऑन कर सकते हैं। सो एक तरीके से ये जो है सर्किट ब्रेकर है, क्योंकि सर्किट को ब्रेक कर देता है, ऑलराइट, एंड दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल। सो दिस वॉज इट इन दिस लेक्चर। ऑलराइट, ये ही जो है हमारा आज का लेक्चर है। द इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, सो मेक श्योर कि आप क्या करेंगे, आप सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट्स आपने इस चैप्टर के स्टडी किए हैं उन सबको रिवाइज करो, ऑलराइट, तब जो है हम लोग नए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर क्वेश्चंस करेंगे। जो एक क्वेश्चन हमारा लास्ट लेक्चर का है वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ऑलराइट, सो मेक श्योर कि आप क्या करेंगे, सब कुछ रिवाइज करके आएंगे, ऑलराइट, एंड दैट इज वेरी मच गुड, रिविजन तो बहुत बढ़िया होता है, सो मेक श्योर यू डू दैट, ऑलराइट, एंड डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, जितना भी लोगों को हो सके उनको स्प्रेड करो, ताकि सभी लोग इन फ्री लेक्चर्स को स्टडी कर सके और बेनिफिशियल उनके लिए साबित हो सके कि वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से एग्जाम दे सकते हैं, क्या चीज़ें प्रॉपर वो लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि वो एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ सके। सो मेक श्योर यू स्प्रेड दैट आउट टू ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।